निकाय चुनाव की तारीखों का एक हफ्ते के भीतर ऐलान हो सकता है। ऐसे में सियासी दलों ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी है। टिकट के दावेदार पार्टी दफ्तरों के लगातार चक्कर काट रहे हैं। भाजपा हो या फिर सपा, अलग अलग जिलों से टिकट के दावेदार लखनऊ लगातार पहुंच रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास पर और भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी से पार्टी दफ्तर पर मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और मेयर के अलावा पार्षद के लिए दावेदार लगातार टिकट मांग रहे हैं और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर भी दावेदार लगातार जुट रहे हैं। आज भी खबर है अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर में पहुंचेंगे और अलग अलग जिलों से पहुंचे पदाधिकारियों के साथ में मीटिंग करेंगे, साथ ही टिकट के उम्मीदवारों से भी मुलाकात करेंगे और बाकी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेंगे अखिलेश यादव। तो निकाय में नाम वाली जंग किस तरीके से चल रही है दोनों ही दलों में, वो आप देख रहे हैं। विस्तार से बातचीत कर लेते हैं, मेरे साथी शैलेश जुड़ चुके हैं लखनऊ से, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शैलेश, देखिए दोनों ही दल पीछे नहीं है और दोनों ही दलों के हम देख रहे हैं ऑफिसों में किस तरीके से आजकल तांता लगा हुआ है, वो भाजपा की हम बात करें या फिर सपा की बात करें, दोनों ही दलों में बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं वो दफ्तरों का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज को लेकर भी खबर है कि यही तस्वीर जो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं वो तस्वीर आज भी देखने को मिलेगी। शैलेश, बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से दीपा, लगातार चाहे सपा कार्यालय हो चाहे भाजपा कार्यालय हो, सभी जगह पर जो निकाय चुनाव देखिए आगामी है इसको लेकर लोग आ रहे हैं अपनी दावेदारी लेकर, और जो पार्टी के अध्यक्ष हैं पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, अपने बायोडाटा सौंप रहे हैं। अभी हम भाजपा कार्यालय पर मौजूद हैं और हमारे साथ में मैडम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कहाँ से आई हैं, किस पद के लिए यहाँ पर निकाय चुनाव में आई हैं अपनी दावेदारी साबित करने। मैम क्या नाम है? मैं भारतीय जनता पार्टी से महिला मोर्चा की महामंत्री संजू सिंह कुंडीर हूँ। मेरा निवास आगरा में है और मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 8 साल से। आज ये बायोडाटा आप लेके आई हैं किस पद के लिए? मेरा ये पार्षदी के लिए है जी, क्योंकि जब हम काम करते हैं पार्टी में तो किसी न किसी उम्मीद से ही करते हैं, तो बस हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी बने पदाधिकारी, इससे मतलब नहीं है, जो भी बने अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए अपनी पार्टी के लिए सही और अच्छा व्यक्ति साबित हो। तो ये बताएं मैम कि किससे मुलाकात करने आ रहे हैं, अध्यक्ष जी, महामंत्री, संगठन या दोनों से ही आज मुलाकात? देखिए मैं आज यहाँ पे संगठन मंत्री धर्मपाल भाई साहब जी हैं उनसे भी मिलने आई हूँ और प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र भाई साहब उनसे भी मिलने के लिए आई हूँ। और अब देखिए किन किन लोगों से मुलाकात होती है, क्योंकि इनकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा होती है, तो कोशिश यही रहेगी कि सभी लोगों से। बड़ी भीड़ लग रही है आजकल सभी कार्यालयों पर, अभी तो सुबह हुई आप आए हैं, अभी तो देखेंगे दिन में बड़ी लंबी लाइन लग जाती है जी। अब लाइन तो लगेगी, देखो भारतीय जनता पार्टी की लहर है और एक ये पार्टी वो पार्टी है जो सभी के लिए अच्छा कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के पदाधिकारी सभी अपने कार्यकर्ताओं को जिसको भी चुनेंगे सही रूप में ही चुनेंगे। देखिए दीपा, यहाँ पर हमने बात कराई, आप पार्षदी के टिकट ले आए हैं, महिला मोर्चा में पहले से शामिल है, और देखिए ऐसा ही नज़ारा समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी देखने को मिल रहा है। और अभी आप अगर सुबह का वक्त देखिए 9:15 लगभग हो रहा है और यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो गया, अभी पार्टी के पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि निकाय की जो तारीख है, चुनाव की जो तारीख है, देखिए 6 अप्रैल को आप बात करें तो देखिए ये जो अंतिम सूची जारी थी इस पर आपत्तियाँ देनी है, 6 अप्रैल को वो समय सीमा बीत जाएगी, उसके बाद अगले 2 से 3 दिन में यानी मान के चलिए 8 या 9 अप्रैल तक जो है वो फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी। 9 से 10 अप्रैल के बीच में जो प्रदेश सरकार की तरफ से इसके बारे में एक प्रस्ताव जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा और उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान करना है। यानी ये माना जा रहा है कि लगभग 12 तारीख के आसपास, 12, 13, 14 तारीख कभी भी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसे में कभी भी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, आप बता रहे हैं, और इसीलिए तो ये कवायद तेज हो चुकी है। लगातार बहुत बड़ी संख्या में सपा और भाजपा के दफ्तर में कार्यकर्ता पहुंच भी रहे हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि अब निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। शुक्रिया शैलेश पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।